हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संतोष रोकड़े पर। और गाइस, मेरे यूट्यूब वीडियो पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने पढ़े। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आप न्यू तरह के वीडियोस बनाओ, न्यू कंटेंट लाओ। आप जो ये बना रहे हो यहाँ पे ईंट भट्टी के, ये नहीं चलने वाले हैं। कुछ अच्छा दिखाओ, कुछ नई नई जगह दिखाओ, इस तरह के कमेंट्स वगैरह कर रहे हैं। तो आप सभी को पता ही है मैं एक मजदूर हूँ, और अभी जो ये हमारा ईंट बनाने का काम है, ये ऐसा रहता है कि बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ऐसे कमेंट्स वगैरह करा करते हैं कि आप कुछ नया करो, अच्छी अच्छी जगह हमको दिखाओ, कुछ नए नए वीडियोस बनाओ। तो हमारा ये काम ही ऐसा है कि हमको यहाँ से टाइम ही नहीं मिलता कुछ नया करने का। सुबह से उठना, पाँच चार बजे, जो भी 4 बजे उठो, 5 बजे उठना, फिर गारा जो भी बना हुआ रहता है उसका डालना, ईंटें बनाना, फिर डेढ़ दो तो ईंट बनाते बनाते हमको बच जाती है। उसके बाद में जो हमारी बनी हुई ईंटें रहती है जो सूख जाती है, उनको उठाना पड़ता है। उनको उठाते उठाते 4 साढ़े 4 बज जाती है। उसके बाद जो भी हमारा गारा हमको तैयार करना पड़ता है उसको कटवाते कटवाते तो हमको 7 साढ़े 7 बज जाती है। और आज तो हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, ये आप पीछे देख सकते हैं, हमने गारा बहुत देर से तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन जो लोटावेटर है ना वो अभी तक नहीं लग पाया। वो इसलिए क्योंकि ये ट्रैक्टर ही नहीं है, हमारे सेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर लेके कहीं बाहर गए हुए और अभी तक वो नहीं आए हुए, और पता नहीं वो अब कब आएंगे, अभी टाइम भी कुछ बताया नहीं। और हमको आज लगभग 9 साढ़े 9 बज सकती है, क्योंकि अभी 6 तो बज गई है, और वो कभी 7 साढ़े 7 बजे भी आए और रोटावेटर जोड़ेंगे फिर यहाँ आएंगे तो और भी ज़्यादा समय हो जाएगा, बहुत समय हो जाएगा आज तो हम लोगों को। और भूख भी काफ़ी लग चुकी है, घर जाके भी देखना पड़ेगा कुछ खाने वाने को बना है कि नहीं। हो सकता है आज है ना बुधवार है आज, तो बुधवार के दिन हमारे गांव धुलकोट में जहां मैं रहता हूं वहां पर बाजार लगता था, तो हम हर बुधवार को चिकन खाते थे। तो हो सकता है मम्मी आज चिकन वगैरह लाई हो, तभी मैं घर जाता हूं। और गाइस, घर जाने से पहले मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को, मतलब मेरे ये यहाँ के वीडियो सुन से प्रॉब्लम है, मतलब किन किन को अच्छे नहीं लगते। बट काफ़ी लोग है जिनको मेरी यही वाली वीडियोस अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग ये भी बोला करते हैं कि आप इसी टाइप की वीडियोस बनाया करो, हमको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, मेरी वीडियोस में अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं। पहले ना जब टिकटॉक था, टिकटॉक टाइम पर मेरी हर एक वीडियोस पर अच्छे खासे व्यूज़ आते थे, मतलब 50,000 40,000 कभी कभी लाख भी कूद जाते थे। और अभी पता है व्यूज़ मैंने मतलब वीडियोस बनाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मुझे अभी व्यूज़ नहीं मिल रहे। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि आप कुछ नया करो नया करो तो आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे, बट नया करने के लिए समय ही नहीं है। हाँ, अच्छे अच्छे वीडियोस हमें भी वैसे तो मेरी वीडियोस अच्छे ही होते हैं, क्योंकि मुझे तो मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और बहुत सारे लोगों को भी अच्छी लगती है। नया भी करूँगा बट उसके लिए समय भी तो होना। ये मेरा जो काम है ना ईंट का, ये मैं जून तक चलेगा, जून के बाद फिर नया ही करना है। आप लोगों को मैं फिर तो नई नई जगह वाले व्लॉग्स बताऊँगा, मतलब अच्छी अच्छी नई नई जगह जाऊँगा, वहाँ जाके व्लॉग शूट करूँगा और फिर कुछ न्यू वीडियोज़ में भी बनाऊँगा, बट अभी नहीं बना सकता क्योंकि समय नहीं है। गाइस, आप लोग ब्लॉग पर बने रहना क्योंकि आज हम देखते हैं, आप भी देख लेना कि देखो अभी 6:15 बज गई है और अभी भी काम बहुत सारा बचा हुआ है, तो आज आप लोग भी देख लेना कि आज हमको कितना ज़्यादा समय लग जाता है यहाँ से फ्री होने में। और अभी मैं घर जाके देखता हूँ मम्मी ने कुछ खाने वाने को बनाया है कि नहीं, बहुत तेज़ भूख लग गई है। तो गाइस, घर आ गया हूँ लगभग। किस किस ने अभी तक मेरा घर नहीं देखा है, देख लो कैसा है, कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं अंदर जाके देखता हूँ मम्मी ने क्या बनाया हुआ है। जैसे तो मैंने बोला था ना आज बुधवार है तो चिकन वगैरह ला सकते हैं। भगवानपुरा में जहाँ हम अभी काम कर रहे हैं ना, यहाँ पर तो शनिवार बाजार रहता है, आप लोगों को बताया हुआ है। मम्मी, अरे मम्मी ये देख सकते हो, मम्मी क्या बना रहे अभी? तो खाने में क्या बनाया हुआ, कुछ बनाया? बनाया क्या? चिकन बनाया हुआ है, लेकिन रोटी नहीं है। बन गया कि नहीं? बन रहा है कि बने क्या? क्यों मम्मी, बन रहा है कि बन गया? बनी
चिकन बन गया, रोटी वन बनना बाकी है और मक्की की रोटी बन गई है। ये देखो किधर दिख रहा, पिछले व्लॉग में मैंने मक्की की रोटी दिखाई थी तो कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि आप भी मक्की की रोटी खाते हो। गाइस मक्की की रोटी मैं नहीं खाता हूँ, मम्मी खाती है, मम्मी खाती है, दीदी खाती है और मेरा छोटा वाला भाई खाता है। बिट्टू खाता है कि नहीं तू? और मुझे सच्ची बता रहा हूँ, मैं मक्की की रोटी नहीं खाता, नहीं खाता हूं। अभी बताए, पहले नहीं हम खाते थे, अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा मम्मी मक्की की रोटी बना रहे, ये लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मुझे पसंद नहीं, मैं तो गेहूं की रोटी खाता हूँ। और मम्मी चिकन बन गया, रेडी हो गया? मतलब चिकन तो बन गया है लेकिन रोटी अभी नहीं बनी है। ये देखो मम्मी अभी क्या गूंद रहे, मम्मी आटा गूंद रहे? अभी अंधेरा दिख रहा है बट मम्मी अभी आटा ही गूंद रहे। और मम्मी अभी तो रोटावेटर भी नहीं लगा, आज तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा ना हमको, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा जल्दी कर लो ताकि एक दो रोटी में खा लूं, है ना। और आप लोग व्लॉग पर कंटिन्यू रहना, और गाइस आप लोग ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, काम करना, और साथ ही बेल आइकन को दबा देना। हाँ चिकन के थोड़े से पीस मम्मी ने निकाल लिए थे, वो खा लेते हैं। बिट्टू ये है चिकन लेग पीस, बहुत टेस्टी है। और मैं ज्यादातर बताए ये चिकन ये नहीं खाता हूँ, मुझे ना मम्मी तरी खाने का शौक है ना मुझे, मैं ज्यादातर तरी खाता हूँ, बट अभी रोटी नहीं बनी और मुझे भूख ज्यादा लग गई है। और बिट्टू देखो कैसे खा रहा चिकन, बिट्टू ये है चिकन लेग पीस, भूख थोड़ी लग गई यार ज्यादा, इसलिए वजह से अभी मैं ये चिकन की दो एक पीस भी खा रहा हूँ, वरना मैं ये खाता ही नहीं, मैं डायरेक्ट तरी आती ना उसके साथ रोटी खा लेता हूँ, जिससे मेरा पेट भर जाता है। अगर ये मैं खा लेता ना फिर ज्यादा मैं खाना नहीं खा पाता, पर अभी मजबूरी भी है। और आप लोग व्लॉग पर बने रहना, देखते हैं हमारा सेठ का ट्रैक्टर कब आता है, कब रोटावेटर लगती है, हमको कितना ज्यादा आज टाइम लगता है, है ना यार। बिट्टू झूठ बोल रहा है, नहीं आया। तो गाइस ट्रैक्टर आ गया है, अभी जस्ट आया, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा ट्रैक्टर का, ये देखो पीछे, ये पीछे अभी जाके ट्रैक्टर आया है, अभी लगभग 6:30 बजी हुई है। और अब ये रोटावेटर है ना, इसको जोड़ते करते समय लगभग 7 बज जाएगी, फिर हमारे 3 लोगों के गारे है जो कि काटना पड़ेगा, और तीनों के काटते काटते लगभग 9 बजे के अंदर अंदर हमारा काम खत्म हो सकता है, बट अभी मैं भी पक्का नहीं बता सकता हूँ, तो आप लोगों को सब बताते रहूँगा मैं ना कितना टाइम लगेगा। तो गाइस देख सकते हो आप, ये ट्रैक्टर आ गया है और अब हमारा भी गारा कटने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया, 7:30 बज गए अभी, खाना भी खाने वाला था बट खाना भी नहीं खाया मैंने, क्योंकि ये करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ये नहीं करवाएंगे ना तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो फटाफट अभी हम ये गारा वारा कटवा लेते हैं। आज है ना बहुत बुरी तरह से फंस गए, हमारा गारा थोड़ा ख़राब हो गया है, लेट होने के वजह से हमारा जो गारा था ना वो ज़्यादा कड़क हो गया है, बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है, और अभी आधा एक घंटा तो हमको इसको इकट्ठा करने में लग रहा है, बहुत ज़्यादा समय ले रहा है और काफ़ी टाइम हो जाएगा कि अभी 8:30 तो बज चुके हैं और पता नहीं अब घर कब जाएंगे हम लोग, तो फटाफट अभी इसको पानी वगैरह छीट 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 के छापने लायक बनाना पड़ेगा। और आप लोग व्लॉग पर बने रहना, देखते हैं घर कब जाते हैं हम लोग। तो गाइस अब जाके घर आए हैं हम लोग, और आज ना सच्ची बताऊँ बहुत ज़्यादा लेट हो गए, अभी लगभग 9:15 बज गए होंगे, और इतना हम लोग कभी भी लेट नहीं हुए, और गारा इतनी बुरी तरीके से खराब हो गया था, ज्यादा ही टाइट हो गया था, डब्बों से पानी ला 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 कर थोड़ा बहुत ईंट बनाने लायक किया है, बट सुबह पता नहीं कैसा क्या रहता है। और अभी मैं खाना खाने के लिए बैठा हूँ, ये देख सकते हो इधर, और बिट्टू इधर सो गया है, बिट्टू सो गया बिट्टू, क्योंकि ज्यादा टाइम हो गया ना, तो अभी फटाफट मैं खाना खा लेता हूँ, और ये व्लॉग को भी अब यही एंड कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा सोने का टाइम था, ये टाइम पे तो हम लोग सो जाते थे, क्योंकि अरे बिट्टू भी जगा हुआ है क्योंकि ये अभी का जो टाइम है ना ये सोने का है, और हो सकता है मैं ये व्लॉग आज ही ये व्लॉग मैं अभी ही अपलोड करूँ, अभी 9:15 बज रहे हैं,
एडिटिंग करने में मुझे 5 मिनट लगेगी, खाना तो मैं भी फट से खा लूंगा जल्दी, तो हो सकता है ये वीडियो अभी अपलोड हो जाए तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा कि कब अपलोड होगा, आज अपलोड होता है या कल अपलोड होता है, आप लोगों को पता चल जाएगा। और गाइस ये वीडियो अब यहीं एंड कर देते हैं, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, और मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ।